इज अक्षय और कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सारे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे अपने घरों पर। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर तुम्हें कन्वर्जन से रिलेटेड चीज़ें बताई थी, कुछ कन्वर्जन स्पेशली बताए थे कि ये तुम्हें याद रखने हैं, तो आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने वो कन्वर्जन अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो आज जो भी कन्वर्जन तुम्हें लास्ट टाइम पे बताए थे उनसे रिलेटेड आज न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, उनसे चीज़ें हम समझने वाले हैं कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे मास कन्वर्जन से रिलेटेड। जैसा कि हमने फर्स्ट कन्वर्जन मास के बारे में पढ़ा था, तो उसी से आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखते जाओगे कुछ कन्वर्जन है, तो आज पूरा का पूरा जो भी हमारा लेक्चर होने वाला है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, ओनली आज हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और उनको कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे से पूरा लेक्चर देखना, एक एक चीज को समझना, क्योंकि आगे आने वाले चीजों में जब कन्वर्जन की बात आएगी तो तुमसे वो चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। चलो बढ़िया, तो मास कन्वर्जन है। मास कन्वर्जन के अंदर फर्स्ट चीज है हमारा 5 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम के अंदर। ठीक है, तो 5 ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी एक चीज तुम्हें पता है कि 1 केजी के अंदर कितना ग्राम होता है, 1 केजी के अंदर होता है 1000 ग्राम, या इस 1000 ग्राम को क्या मैं लिख सकता हूँ 10^3 ग्राम। ठीक है, ये चीज सिंपल है। तो अगर 1 केजी के अंदर 10^3 ग्राम है तो बताओ 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, कितना केजी होगा। अगर तो ये हो जाएगा 10^-3 केजी। ठीक है, 10^-3 नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10^-3 केजी, मतलब 1 ग्राम के अंदर 10^-3 केजी है। अगर 1 ग्राम के अंदर 10^-3 केजी है तो बताओ 5 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो 5 ग्राम के अंदर होगा 5×10^-3 केजी। तो तुम्हारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5×10^-3 केजी। चीज क्लियर है, बढ़िया। सेकंड की तरफ चलते, लिखा हुआ है 1 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। 1 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना। चलो बहुत बढ़िया, तो ये कन्वर्जन तो मैंने तुम लोगों को सिंपल सा सीधा बताया हुआ है कि 1 ग्राम के अंदर कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 1000 मिलीग्राम का मतलब है 10^3 मिलीग्राम। तो सीधा सिंपल, यहाँ पर अगर कोई तुम्हें पूछता है कि बताओ 1 ग्राम के अंदर कितना मिलीग्राम, तुम क्या आंसर होगे, 10^3 मिलीग्राम। चीज क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन थे, सिंपल सा आंसर है इनका, बढ़िया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लिखा हुआ है 2 केजी को पाउंड में कन्वर्ट करो। एलबी मतलब पाउंड है, तो मैं लास्ट में बताया था एलबी का मतलब क्या होता है, पाउंड। 2 केजी को कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो मुझे बताओ कि 1 केजी के अंदर कितना पाउंड होता है। मैंने लास्ट टाइम पे तुम्हें बताया हो, तो 1 केजी के अंदर होता है अप्रोक्स 2.2 पाउंड, है ना। तो 1 केजी के अंदर अगर 2.2 पाउंड, तो बताओ 2 केजी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2×2.2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4.4 एलपी। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 केजी के अंदर 4.4 पाउंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 5 केजी को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, 5 केजी को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। हाँ, इसमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। बताओ केजी को क्या ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो तुम अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ 1 केजी में मतलब 1000 ग्राम है, तो 5 केजी में कितना ग्राम, तो लिख देता हूं कि 5 केजी इक्वल टू 5000 ग्राम, है ना। ये चीज सही है। अब 5 केजी में अगर 5000 ग्राम है और 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 5×10^3 ग्राम लिख सकता हूँ ना। और 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 10^3, तो 5×10^3 मिलीग्राम, है ना। तो ये चीज क्या निकल के आ गई, ये चीज निकल के आ गई 5×10^6 मिलीग्राम। चीज क्लियर है यहाँ तक क्या किया हुआ है। हाँ, 5 केजी को मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, तो क्या आंसर आ गया, 5×10^6 मिलीग्राम हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं चीजों के बारे में। और तो ये 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, चारों चीजें तुम्हें समझ में आ गई, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं तो मैं उनको करवाता हूँ। चलो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 10 पाउंड को कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, 10 पाउंड को ग्राम में कन्वर्ट करना। अब 10 पाउंड है, तो ये बताओ कि क्या पाउंड और ग्राम में कोई रिलेशन तुम लोगों को पता है, तो तुम बोलोगे सर नहीं पता है। तो चलो देखो यार, क्या तुम्हें पाउंड और केजी में पता है, तो तुम बोलोगे हाँ सर मुझे पाउंड और केजी में तो पता है। तो क्या पता है, तो उस कन्वर्जन को लिख लेते हैं कि 1 केजी के अंदर होता है 2.2 पाउंड, है ना। अगर 1 केजी के अंदर 2.2 पाउंड है, तो बताओ 1 पाउंड के अंदर कितना केजी है, तो बोलोगे कि सर 1/2.2 पाउंड, 1.2 केजी, इतना ही है ना। ये चीज समझ में आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है आराम से। ठीक है, तो
इससे मैं एक सिंपल सा रिलेशन तुम्हें निकाल के बताता हूँ कि 1 lb इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 kg में कितना ग्राम, तो बोलोगे 1000 ग्राम, तो क्या इसको लिख सकता हूँ 1000 / 2.2 ग्राम, ठीक है। तो ये जब चीज करते हो ना तो ये निकल के आता है 454.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल जाता है, एक और रिलेशन तुम्हें ऐसा पता चल गया कि 1 lb में कितना ग्राम होता है, 1 lb में, 1 pound में 454.5 ग्राम होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे यूज कर लेंगे, 10 pound के अंदर कितना हो जाएगा, 10 × 454.5, तो आंसर हो जाएगा 4545। और अगर थोड़ा सा और आगे अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो 4 आता है, तो ये इतना ग्राम तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये किसका आंसर है तुम्हारा, 5 का, ठीक है। अब चलते हैं 6 वाले आंसर की तरफ। लिखा हुआ है 20 मिलीग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करना है, चलो बढ़िया, 20 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो 20 मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया तो 20 × 10⁻³ ग्राम हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ग्राम हमें पता है, तो अगर हमारे पास ग्राम निकल के आ गया, ठीक है, तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है, एलबी में। तो बताओ क्या 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 किया जाएगा ताकि उससे हमारा आंसर निकल के आ जाए, या फिर एक और टेक्निक ये हो सकती है कि हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लें, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ग्राम आ गया, इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻³ - 3 × 10⁻³, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में, ठीक है। ये हमारे पास केजी में आ गया, अब 1 kg के अंदर कितना पाउंड होता है, 2.2 pound होता है, तो केजी में × 2.2 कर दो, तो 20 × 10⁻⁶ हो जाएगा ना, −3 और −3 −6 हो जाएगा × 2.2 pound, है ना। 2.2 कितना हो जाएगा, 2.2 और 20 हो जाएगा 44, तो ये आंसर आ जाएगा 44 × 10⁻⁶ pound, ये किसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे 6 का। तो 20 मिलीग्राम के अंदर कितना पाउंड होगा, 20 मिलीग्राम के अंदर होगा 44 × 10⁻⁶ pound होगा, ठीक है। चल आगे और चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन उसमें बचे हैं वो ट्राई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 5 क्विंटल, तो तुम्हें पता है कि अगर मैं 7th वाला क्वेश्चन करूं तो 5 क्विंटल के अंदर कितना टन होगा, तो 5 क्विंटल के अंदर अगर तुम्हें टन निकालना है तो तुम्हें पता है कि 1 टन का मतलब कितना होता है, 1000 kg, और 1 क्विंटल का मतलब कितना होता है, 100 kg, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो 1 ton = 10 क्विंटल निकल के आंसर आ जाएगा, चीज समझना, 1 ton = 10 क्विंटल, मतलब ये सिंपल क्या हो गया, 50 क्विंटल। तो अगर 1 क्विंटल का आंसर हमें निकालना है, 1 क्विंटल निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 1/10 टन, है ना। तो अगर 1 क्विंटल में 1/10 टन है तो 5 क्विंटल में कितना होगा, 5/10, तो आ गया 5/10, मतलब आंसर क्या आ गया, 0.4 टन। चीज क्लियर है क्या बता रहा हूँ, चीज बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है इससे रिलेटेड, 8th वाला, 50 टन को पाउंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 50 टन है तो पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तुम क्या कर दोगे, सिंपल तुम कर दो पहले इसको केजी में कन्वर्ट, तो 50 × 10³ kg कर दिया, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट हो गया, केजी से किसमें कन्वर्ट कर दोगे, पाउंड में, तो 50 × 10³ × 2.2 pound। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये 50 × 2.2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 2.2 × 5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 11, या 110 × 10³ pound, ठीक है। तुम्हारे पास से कुछ इस तरीके से आंसर निकल के आते हैं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं लेंथ के कन्वर्जन्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिखा हुआ है 5 cm को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो 5 cm को कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ, जो भी तुम पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर, 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, तो आंसर दोगे सर 100 cm होता है, ठीक है। 100 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 10⁻² सेंटीमीटर, सही है ना, 10⁻² सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो अगर 1 cm के अंदर, 1 cm के अंदर कितना मीटर हो गया, तो बोलोगे सर 10⁻²⁪ मीटर हो गया, सही है कि नहीं है। तो 1 cm में 10⁻²⁪ मीटर हो गया, तो 5 cm है, तो 5 cm के अंदर कितना मीटर हो जाएगा, 1 cm में अगर 10⁻²⁪ मीटर है तो 5 के अंदर कितना होगा, 5 × 10⁻²⁪ मीटर, जी सही, समझ में आ रही, बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला, सेकंड, लिखा हुआ है 15 मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर के अंदर,
तो 15 मीटर है, 15 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो सीधा ये लगा दें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में, तो बोल दोगे कि सर 15 मीटर के अंदर अपना हो जाएगा 15 × 100 सेंटीमीटर, या इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिखे तो कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। चीज समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। थर्ड, 10 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बहुत बढ़िया, अलग थोड़ा सा, 10 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मुझे बताओ लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो, 1 इंच के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, तो बोलोगे सर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, नहीं याद तो चेक कर लो उसको। तो अगर इतना होता है तो 10 इंच के अंदर कितना होगा, तो 10 इंच हो जाएगा 10 × 2.54 सेंटीमीटर, आंसर कितना आ जाएगा 25.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 इंच के अंदर 25.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, फोर्थ आंसर। 20 यार्ड में कितना फीट, ठीक है, तो 20 यार्ड में मुझे फीट निकालना है, तो 20 यार्ड में मुझे फीट निकालना है। तो लास्ट टाइम भी बताया था यार्ड और फीट के अंदर रिलेशन, 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट, याद है चीजें। तो 1 यार्ड के अंदर अगर 3 फीट है तो 20 यार्ड के अंदर कितना होगा, तो 20 यार्ड इक्वल टू हो जाएगा 20 × 3 मतलब 60 फीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 फीट। तो ये पहले 4 न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए, अब 4 न्यूमेरिकल्स और जो बच्चे हैं उनको देखेंगे, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ पे। तो आई थिंक ये चारों चीजें समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट 4 और देखते हैं हम। तो फिफ्थ वाला देखते हैं इसके बाद, फिफ्थ वाले में क्या लिखा हुआ, 10 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, आया ना, 10 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बताओ 1 मीटर के अंदर कितना डेसीमीटर, बताओ कितना डेसीमीटर। तो तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम बताया था मैंने 10 डेसीमीटर, आया ना, तो 10 डेसीमीटर मतलब अगर 10 डेसीमीटर लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 1 मीटर ही तो लिखा हुआ, ठीक है। तो 10 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, तो वही सिंपल जो कन्वर्जन बताया था वही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट, 150 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 150 मीटर में कितना किलोमीटर बताना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे अगर तुम लोगों को पता हो तो मैंने कन्वर्जन बताया था मीटर से, सॉरी किलोमीटर से मीटर में अगर जाना है तो 1000 मल्टीप्लाई, और अगर यहां से यहां जाना है तो डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो मीटर से किलोमीटर जाना है मतलब मीटर से किलोमीटर आना है, तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, मतलब ये हो जाएगा 150 मीटर, 150 × 1/1000 किलोमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 150 × 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा अच्छे से देखा तो लिख सकते हैं 0.150 किलोमीटर। ये पॉइंट पीछे लेके जा सकते हैं ना, तुम लोगों को ये चीज थोड़ी सी चीज पता होगी कि अगर ये 10⁻³ लिखा है मतलब इसके 1, 2, 3 पॉइंट्स पीछे हम यहाँ पे डॉट लगा के इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि 150 मीटर के अंदर कितना किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, 300 सेंटीमीटर में किलोमीटर, तो 300 सेंटीमीटर में हमें बताना है किलोमीटर, ठीक है। तो चलो एक बताओ सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो तुम बोलोगे सर सेंटीमीटर में कितना मीटर, बताओ बताओ जल्दी, तो 300 × 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, तो 300 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 300 सेंटीमीटर में होगा 300 × 10⁻² मीटर, मतलब ये हो गया 3 मीटर, है ना। और 3 मीटर में कितना किलोमीटर, तो अभी हम देखा है डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000, तो ये हो जाएगा 3 / 1000 किलोमीटर, मतलब 3 × 10⁻³ किलोमीटर। चीज क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो लिखा हुआ है 50 यार्ड में इंचेस बताने हैं, इतना इंचेस है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने सीधा एक कन्वर्जन बताया था, 1 यार्ड के अंदर 1 यार्ड में 36 इंचेस होते हैं, अगर तुम लोगों को याद हो लास्ट लेक्चर जो भी पढ़ाया था। तो अगर तुम देखोगे तो 50 यार्ड अगर है तो 50 यार्ड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 36 × 50 इंचेस, 36 × 50 हो जाएगा 1800 इंचेस। क्लियर है यहां तक, तो 50 यार्ड के अंदर कितना इंच जाएगा,
1800 इंचेस आंसर आ गया। तो अब इसके बाद चलते हैं वॉल्यूम कन्वर्जन की तरफ। तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को पहले ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हें 10 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर, ठीक है। देख लेते हैं पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 10^3 लीटर, ये चीज़ हमें पता है। तो अगर 1 मीटर क्यूब में 10^3 लीटर होता है तो बताओ 10 मीटर क्यूब में कितना होगा। तो 10 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10^3 लीटर, मतलब 10^4 लीटर, ठीक है। मतलब 10 मीटर क्यूब में 10^4 लीटर होगा। चलो सेकंड करते हैं। 40 मीटर क्यूब में ml चाहिए, 40 मीटर क्यूब में मिलीलीटर चाहिए, ठीक है। चलो बताओ तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर 10^3 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो बोलोगे कि सर 1 लीटर में 10^3 मिलीलीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना ml, 10^6 ml, ठीक है। पढ़ चुके हैं ना ये चीज। तो 40 मीटर क्यूब में कितना ml हो जाएगा, तो 40 मीटर क्यूब में हो जाएगा 40 × 10^6 ml। इसको ये भी लिख सकते हैं 4 × 10^7 ml। चीज क्लियर है क्या कर रहा हूँ। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 15 लीटर को कन्वर्ट किया है मैंने 80 मीटर क्यूब में। बताओ डेसीमीटर क्यूब और लीटर के अंदर मैंने एक सिंपल सा रिलेशन बताया था कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, याद है तुम लोगों को, चीज पता होगी शायद। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 15 लीटर अगर है इसका मतलब 15 डेसीमीटर क्यूब होगा। चीज सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ, 75 लीटर को कन्वर्ट करना है ml के अंदर, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। 75 ml को कन्वर्ट करना है ml के अंदर, 1 लीटर में होता है 1000 ml, ठीक है। तो 75 लीटर इज इक्वल टू 75 × 10^3 ml, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 75,000 ml। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, तो तुम्हें क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। 200 डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। अब डेसीमीटर क्यूब और मीटर में रिलेशन चाहिए ना, तो बताओ कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, सॉरी। तो ये अगर तुम्हें याद हो तो लेंथ कन्वर्जन में बताया था 10 डेसीमीटर होता है ना, है कि नहीं। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, तो बोलोगे कि सर 10^-1, या बोल सकते हैं कि 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो बताओ 200 डेसीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब। अब चलो, अब डीएम क्यूब कर दिया, मतलब ये चीज लिखी हुई है तुम्हारे पास 10^-1 मीटर, क्यूब कर दिया तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब हो गया ना, समझ में आ रही है। तो 200 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, मतलब 200 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 200 × 10^-3 मीटर क्यूब, है ना। ये लिखा हुआ है 0.2 मीटर क्यूब, जितना लिखा हुआ है 0.2 मीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, आंसर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं 400 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दिया है लीटर के अंदर, ठीक है। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया है हमने लीटर के अंदर, तो बताओ सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन निकाल सकते हो। तो अगर तुम्हें पता हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, है ना। और 1 ml के अंदर कितना लीटर, तो बोलोगे कि सर 10^-3 लीटर, क्लियर है।
एक सेंटीमीटर क्यूब में अगर 10^-3 लीटर है तो 400 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? 400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 400 × 10^-3 लीटर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.4 लीटर। क्लियर है? क्या समझा रहा हूँ? चीजें क्लियर है? बहुत बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से तो पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 30 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करो मिलीमीटर क्यूब में। चलो भैया, 1 मीटर में कितना मिलीलीटर? तो बोलोगे कि सर 1 मीटर में 10^3 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब? तो 10^3 का क्यूब 10^9 मिलीमीटर क्यूब है ना। तो 30 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 × 10^9 मिलीमीटर क्यूब, तो ये हो गया 3 × 10^10 मिलीमीटर क्यूब। चीज क्लियर है? क्या कर रहा हुआ ये चीज क्लियर है क्या हो रहा है? तो 3 × 10^10 मिलीमीटर क्यूब। तो लास्ट क्वेश्चन में बचा हुआ है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है इसका 8th वाला। 90 लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो 1 लीटर के अंदर, चलो 90 लीटर को इसमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब में। अब मुझे पता है कि अगर 90 लीटर लिखा हुआ है, मतलब 90 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, हाँ ना? और बताओ 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? सोचो, 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 100। ठीक है, मतलब 10^2 मिलीमीटर। ठीक है, क्यूब करना है तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की, प्लस का क्यूब कर दोगे तो 6 मिलीमीटर क्यूब आया ना। तो कर दो क्यूब तो 90 × 10^6 मिलीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा 9 × 10^7 मिलीमीटर क्यूब। चीज क्लियर है? आई थिंक सारे जो भी क्वेश्चंस बताए उनमें कैसे कन्वर्जन में कर रहा हूँ वो चीजें तुम्हें क्लियर हो रही होगी। तो अब चलते हैं प्रेशर कन्वर्जन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से प्रेशर कन्वर्जन से रिलेटेड हमें कन्वर्जन करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हमें 2 atm को कन्वर्ट करना है टॉर के अंदर। ठीक है, तो अगर टॉर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि 1 atm के अंदर 760 टॉर होता है। ठीक है, तो अगर 1 atm के अंदर 760 टॉर है तो बताओ 2 atm के अंदर कितना होगा? तो बोलोगे कि सर 2 atm के अंदर होगा 2 × 760 टॉर, मतलब आंसर आएगा 1520 टॉर। ठीक है, क्लियर? सिंपल सी, काफी बहुत बढ़िया। चलो सेकंड करते हैं। लिखा हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर कितना डाइन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज करनी है तो हमें ये पता है कि 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमें लिखा हो, या फिर हम इसको देखें जो हमने कन्वर्जन पढ़ा है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ा है लेकिन हमें मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो बोलोगे कि सर 10^-2 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर होता है, स्क्वायर कर दिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10^-4 मीटर स्क्वायर है ना। तो ये 10^-4 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी 10^-4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10^5 डाइन पर मीटर स्क्वायर। चीज क्लियर है? तो क्या समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, -4 ऊपर जाएगा तो 10 × 10^4, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर 10^5 डाइन पर मीटर स्क्वायर होता है। चीज क्लियर है? चीजें पता होनी चाहिए। बढ़िया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 38 cm of Hg, 38 cm of Hg के अंदर कितना atm होगा।
ठीक है, तो हमें ये पता है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी अगर लिखा है तो उसके अंदर होता है अपना 180 है ना, तो मैंने क्या कर दिया उसका हाफ कर दिया, तो 38 इसके अंदर कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाय 76 एटीएम, तो आंसर तुम्हारा निकल के आएगा 0.5 एटीएम। ठीक है, तो 38 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के अंदर कितना एटीएम होगा तुम्हारा, 0.5, या इसको हाफ भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 एटीएम के अंदर कितना पास्कल होगा। ठीक है, तो 5 एटीएम के अंदर कितना पास्कल होगा, तो 5 एटीएम इक्वल टू 1 एटीएम इक्वल टू कितना पास्कल, 1.01325 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, जिसे पता है क्या, तो जब इसको करोगे तो आएगा 5.066 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, तो 5 एटीएम इक्वल टू 5.066 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल को कन्वर्ट करना है टोर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पास्कल को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1.01325 इनटू 10 टू द पावर 9 पास्कल लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे 1.01325 इनटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1.01325 इनटू 10 टू द पावर 5 एटीएम। ठीक है, तो ये एटीएम में कन्वर्ट हो गया, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 10 टू द पावर 4 एटीएम। ठीक है, इसको अगर टोर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 4 इनटू 760 टोर, तो ये सिंपल सा कन्वर्जन हमारे पास निकल के आंसर आ जाएगा। तो हमने पहले पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट किया, एटीएम को फिर हमने टोर में कन्वर्ट कर दिया। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। 56 सेंटीमीटर ऑफ एचजी को 56 सेंटीमीटर ऑफ एचजी को कन्वर्ट करना है टोर में, ये ना, अब कैसे कन्वर्ट करोगे, हमें पता है कि 56 सेंटीमीटर ऑफ एचजी को हम लिख सकते हैं 560 mm of Hg, है ना, और हमें ये पता है कि 1 mm of Hg के अंदर 1 टोर होता है, चेक करो एक बार, तो 560 mm of Hg के अंदर कितना आंसर आएगा, 560 टोर। चीज क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना खुद दिमाग लगाने वाली चीज काम है। ठीक है, चलो सिक्स्थ वाला करते हैं। लिखा हुआ है 5 atm के अंदर कितना बार होगा, ये बताना, सिंपल सी चीज है, तो 5 एटीएम के अंदर कितना बार होगा, 5 एटीएम इक्वल्स टू 5 इनटू 1.01325 बार, मतलब आंसर आ जाएगा 5.066 बार। ठीक है, सिंपल सा एक कन्वर्जन था, पता होना चाहिए, आंसर निकाल सकते हो आराम से। लास्ट कन्वर्जन इसका, 10 एटीएम को कन्वर्ट करना है डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम पहले इसको पास्कल में लेके जाएंगे, तो 10 एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करो, 10 इंटू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, सही है, और एक पास्कल में कितना, 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना, 10 डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, चीजें पढ़ी है ना हमने, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 इंटू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कन्वर्जन कैसे कर रहा हूँ चीजें क्लियर होगी, जस्ट एक वैल्यू पुट करके वैल्यूज आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंपल सी चीजें हैं जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं टेम्परेचर के कन्वर्जन की तरफ, तो निकालते हैं आंसर इनका, क्या होता है टेम्परेचर के कन्वर्जन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, तो हमें पता है कन्वर्जन, हमें याद है कि के इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होता था। ठीक है, तो जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, जीरो,
तो k इक्वल टू 0 प्लस 273, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 273 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 600 केल्विन को कन्वर्ट करो डिग्री सेंटीग्रेड में, तो फिर वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे, k इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तो k माइनस 273 कर देंगे, सही है ना। अब k की वैल्यू कितनी है, मतलब केल्विन में क्या है, 600 है, तो 600 माइनस 273 कर दिया, तो 600 माइनस 273 करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, 600 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आंसर आएगा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थर्ड चलते हैं। लिखा हुआ है माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करो डिग्री फारेनहाइट में। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें पता है, इसका कन्वर्जन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5.9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, लास्ट टाइप में कन्वर्जन बताया था, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह माइनस 40 रख दो, तो माइनस 40 इज इक्वल टू 5.9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, आया ना, ये 5 है तो ये चला गया, ये बच गया 8, ये 8 इंटू 9 72 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 72 इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, तो तुम देखोगे तो यहाँ से डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू आ गई माइनस 40 डिग्री। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू और डिग्री फारेनहाइट वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मदद से मैं तुम्हें ये चीज़ भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इसका लास्ट है टेम्परेचर से रिलेटेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, तो वापस ये फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला है, के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 273 है, तो 273 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा 546। ठीक है, तो आई थिंक चीज क्लियर होगी किस तरीके से सिंपल से कन्वर्जन करना है। जनरली ये फॉर्मूला भी अगर टेम्परेचर के अंदर याद रख लोगे तो काफी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं। ठीक है, टेम्परेचर का सिंपल से कन्वर्जन थे तो तुम्हें सिंपल से वो मैंने बता दी। तो चलते हैं लास्ट कन्वर्जन जो हमारे पास बचे हुए हैं, एनर्जी के कन्वर्जन, तो देखते हैं क्या कैसे करते हैं इस टाइप के कन्वर्जन को। तो पहला लिखा हुआ है 5 कैलोरी को कन्वर्ट करो जूल में। ठीक है, तो पहले ये मुझे बताओ कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है, तो तुम बोलोगे सर 1 कैलोरी इक्वल टू 54.2 जूल होता है, तो 5 कैलोरी इज इक्वल टू 5 × 4.5 कैलोरी इज इक्वल टू 5 × 4.2, 4.2 × 5 करोगे तो ये आंसर आएगा 21 जूल। ठीक है, मतलब 5 कैलोरी मतलब 21 जूल हो जाएगा। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। 10^10 जूल में कितना आर्क है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए, 1 जूल में होता है 10^7 आर्क। ठीक है, 1 जूल में इतना है तो 10^10 जूल में कितना होगा, 10^10 जूल में होगा 10^10 × 10^7 आर्क, आंसर आएगा 10^17 अर्क, मतलब 10^10 जूल के अंदर 10^17 अर्क हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके लिखा हुआ है 4.8 × 10^-20 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया ना, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10^-19 जूल होता है, लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, तो 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, डिवाइड कर दे क्या, तो देख लेते हैं, इतना जूल दिया हुआ है तो 4.8 × 10^-20 जूल इज इक्वल्स टू 4.8 × 10^-20 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10^-19, तो ये निकल के आएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये निकल के आएगा 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चीज क्लियर है क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं तुम लोगों को। चलो आगे चलते हैं। 12 कैलोरी को अर्ग में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 12 कैलोरी को अगर अर्ग में कन्वर्ट करना है तो कैलोरी को पहले जूल में कन्वर्ट कर दें, तो 12 × 4.2 जूल, और जूल से फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, इसको कन्वर्ट कर देंगे अपन अर्ग के अंदर,
ट्वेल्व इंटू फोर पॉइंट टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वेल्व इंटू फोर पॉइंट टू फिफ्टी पॉइंट फोर, तो ये हो जाएगा 50.4 जूल। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे अर्ग में तो क्या आंसर आ जाएगा, 50.4 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर निकालना है और किस तरीके से कन्वर्जन सिंपल से हमें करना है। ठीक है, तो आई थिंक तुमने कन्वर्जन से रिलेटेड आठ सारी प्रॉब्लम्स को देखा, सारी कन्वर्जन्स को देखा, तो एक बार जाके तुम्हें क्या करना है, ये प्रॉब्लम्स फिर से ट्राई करनी है, फिर से खुद से करने का कोशिश करना है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर होगी और बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें थोड़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन्स को याद रखना है सबसे पहली चीज़ है, प्लस उसको यूज़ कैसे करते हैं वो आज मैंने तुम लोगों को बता दिया, तो उसको जाके ट्राई करो, मेहनत करो, थोड़ा और एफर्ट डालो अपनी तरफ से ताकि तुम्हें भी काम करने में मज़ा आए। ठीक है, आज का जो भी लेक्चर था उसके नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।